अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। भाजपा विधायक गणेश नाइक ने कोरोना उपचार के मुद्दे पर मनपा को फिर घेरा, नए आयुक्त से मुलाकात कर मांगा इंतजामों पर जवाब। पूर्व मंत्री और मैरौली के भाजपा विधायक गणेश नाइक ने मंगलवार को नोइंबई के नए मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और कोरोना मरीजों के साथ ही उनके लिए चल रहे इलाज, खाट की व्यवस्था एवं दूसरे इंतजामों की जानकारी साझा करने की मांग की। गणेश नाइक ने जोर देकर कहा कि कोरोना के उपचार के अभाव में किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, इसके लिए हमारी मांग है कि रेमडेसिविर औषधि, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड सदैव उपलब्ध रहने चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि हमारी मांगों पर महानगर पालिका के आयुक्त तो उत्तम उपचार सेवाएं जरूर मुहैया कराएंगे। नई मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयामध्ये साधी कॉट, ऑक्सिजनची कॉट आणि व्हेंटिलेटरची कॉट उपलब्ध नसल्यानंतर नाइलाजास्तव माणसाला खाजगी रुग्णालयामध्ये जावं लागतं आणि मग इच्छा नसताना त्याला त्या खाजगी रुग्णालयाची असलेली फी भरावी लागते। आम्ही प्रामुख्याने माननीय आयुक्त बांगर साहेबांना सांगितलं की रेमडेसिविर आणि ॲक्टेमेरा हे औषध जर का तो नागरिक आपला असेल आणि खरोखर त्या लोकांची पैसे देण्याची क्षमता नाही तर अशा लोकांना महानगरपालिकेनं ती इंजेक्शन उपलब्ध करून द्यावीत आणि तशा प्रकारचा सकारात्मक त्याने विचार करण्याचं ठरवलं। कारण जर का आपल्याकडे आपण जर त्याला जागा उपलब्ध करून देऊ शकत नाही म्हणजे नाइलाज असतो त्याला तिथे जावं लागतं, म्हणून ती पेशंट आपलेच आहेत, नागरिक आपले, आणि निश्चितपणे त्या अनुषंगानं त्या खाजगी रुग्णालयात सुद्धा त्यांना ती रेमडेसिविर आणि ॲक्टेमेरा ही औषधं उपलब्ध करून दिली जातील। आज साधारणपणे 4,000 औषधं इंजेक्शन आहेत, अधिक त्याची संख्या वाढवण्याचा त्यांचा विचार आहे आणि कुठल्याही प्रकारे औषध म्हणजे इंजेक्शन नाही मिळालं म्हणून कुठल्याही पेशंटचा मृत्यू होणार नाही अशा प्रकारची भूमिका घ्या असा आम्ही आग्रह केला आणि त्यांनीच ती भूमिका मान्य केली आहे की आपल्या शहराला ते ललांबूत ठरेल जर का आपण आपल्या महापालिका क्षेत्रातील रुग्णांना औषधं उपलब्ध करून दिली गेली आणि त्याबद्दल आम्ही समाधान। त्यांनी अतिशय सकारात्मक उत्तरं दिली। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, दशरथ भगत तथा महापौर जयवंत सुतार एवं नगर सेविका नेत्रा सिरके के साथ आयुक्त से मिलने पहुंचे लोक नेता गणेश नाइक ने एक बार फिर वासी के मनपा अस्पताल को कोविड मुक्त करने पर जोर दिया। पनवेल के इंडिया बुल्स में 3,000 का कोविड सेंटर क्यों, जबकि नोइंबई में 3 हॉस्पिटल और सामुदायिक भवन मौजूद हैं? इस सवाल पर लोक नेता गणेश नाइक ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम उसके लिए मनपा प्रशासन से जवाब मांगेंगे और इस पर होने वाले बेजा खर्च को रोकने की कोशिश करेंगे। पहले हमने बोला था नई मुंबई के हॉस्पिटल, नई मुंबई में जो बिल्डिंग उपलब्ध है उसका यूटिलाइज करो, इसके बावजूद भी कम पड़ता है तो नई मुंबई के बाहर में भी काम करने का बंदोबस्त करके रखो। ओके, तो यदि ये बात नई मुंबई में बिल्डिंग खाली होते हुए भी यदि नई मुंबई के बाहर ऐसा कुछ कार्यक्रम होता होगा तो हम उस पर उनका ध्यान जरूर दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।